सो तुम्हारा क्या लिखो बच्चों, आज मैं आपको आपकी भाषा अधिगम व्याकरण जो बुक है उसका अध्याय पंद्रह, जिसका नाम है वाच्य। ठीक है, अध्याय पंद्रह वाच्य इसे पढ़ाने जा रही हूँ। आपने प्रश्न संख्या 127 निकाल के बैठना है और सर वीडियो को भी देखना है और साथ साथ अध्याय भी समझना। ठीक है, वाच्य यानी वॉइस, ग्रामर इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ते हैं आप, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्य को पढ़िए। साहिल किताब बेच रहा था, साहिल किताब बेच रहा था, किताब बेची जा रही थी और यह किताब बहुत बिक रही थी। तीसरा है, हमसे यहाँ नहीं बैठा जाता। अब वाक्य पहले में जो है क्या था, बेच रहा था, क्रियापद साहिल के बारे में कुछ बता रहा है या उसके बारे में कुछ विधान कर रहा है। साहिल क्या है, कर्ता सब्जेक्ट, और क्रिया उसी के अनुसार यानी बेच रहा था। तो अतः संपूर्ण वाक्य कृतवाची है, कर्ता के प्रभाव पर है कृतवाची। वाक्य दो में बेची जा रही है, मैं क्रियापद का उद्देश्य बेचने वाले व्यक्ति के बारे में बताना नहीं है, उसमें कर्म के बारे में कि क्या हो रहा था, क्या बेचा जा रहा था, पुस्तक यानी किताब, यहाँ पर कर्म हुए। संपूर्ण वाक्य कर्मवाची है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे का जो ख वाला है वाक्य वो भी कर्मवाच्य। वाक्य तीन में बैठा जाता, क्रिया का जो क्रिया है उसके साथ कर्म संभव नहीं है और ना ही कर्ता बदल दिया गया है, इसमें क्रिया का भाव ही है मुख्य कि बैठा नहीं जाता, तो ये हो गया आपका भाववाच्य। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसे चलाने वाला यानी उस क्रिया को चलाने वाला करता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के लिए काइंड्स ऑफ वर्ड्स, हिंदी में वाच्य दो प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब सबसे पहले है कृतवाच्य। ठीक है, इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया को करने वाला कर्ता प्रधान होता है और क्रिया उसी के अनुसार चलती है। जैसे मोहन सो गया या मोहन सो रहा है, सो कौन रहा है, कर्ता का प्रभाव रहा है। कर्मवाच्य पैसिव वॉइस, इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, कर्ता के अनुसार नहीं। कर्ता का काम कभी कभी लोप भी हो जाता है इसमें, जैसे मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ हिंदी बोली जाती है। ठीक है, आगे भाववाच्य, इम्पर्सनल वॉइस, इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों अप्रधान होते हैं, दोनों ही अप्रधान होते हैं, भाव ही की ही प्रधानता होती है इसमें। भाववाच्य केवल कर्म क्रिया के रूप में ही होता है, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, यहाँ पर भाव दिखाया गया है कि मुझसे चला नहीं जाता, शिला से बैठा नहीं जाता नहीं गया, या वंदना से नाचा नहीं यानी ये भाव है। अब विशेष क्या है, कर्मवाच्य भाववाच्य के जिन वाक्यों में कर्ता के बाद से का प्रयोग होता है वहां कर्ता के सामर्थ्य का भाव रहता है। ऐसे वाक्य क्या नकारात्मक होते हैं, जैसे मुझसे कपड़े नहीं मिले, यानी नकारात्मक नेगेटिव इसमें आ जाता है। ठीक है, दूसरा है कर्मवाच्य में सामान्यतः क्रिया के करने वाले व्यक्ति को संकेत आवश्यक नहीं होता, जैसे बंगाल में जाकर खाया जाता है। भाववाच्य केवल कर्म क्रियाओं के साथ ही संभव है क्योंकि इसमें कर्ता की स्थिति नहीं होती, भाववाच्य में क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग और अनुपुरुष में होती है। अब है आपका इसके बाद में बच्चों वाच्य परिवर्तन, कृतवाच्य में से कर्मवाच्य बदल, कर्ता के साथ से यानी द्वारा लगा करके हम कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदल सकते हैं, जैसे यहाँ पर तालिका देखे है कृतवाच्य लिखा है कर्मवाच्य, गीतिका पुस्तक पढ़ती है, गीतिका के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, रुचि गाना गाती है, रुचि ने से गाना गाया जाता है या रुचि के द्वारा गाना गाया जाता है, माने कपड़े तो माने द्वारा कपड़े धोए। ठीक है, अब कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना, कर्ता के साथ से जोड़ा जाता है, भाववाच्य यानी कर्ता के साथ से जोड़ा जाएगा और क्रिया अन्य पुरुष पुलिंग एकवचन में रहती है, मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना जाना क्रिया का रूप जोड़ा जाता है। उदाहरण क्या है, जैसे मैं नहीं चलता हूं,
मुझसे चला नहीं जाता, बच्चा नहीं सोता, बच्चे से सोता नहीं जाता। यहाँ पर पुल्लिंग भी आ रहा है, एकवचन भी आ रहा है, ठीक है। अब सुधीर छत पर कूदता है, सुधीर से छत पर कूदा जाता है। अब आपने क्या पढ़ा इसमें अध्याय में कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वह वाक्य में कर्ता कर्म या भाव में से किसके अनुसार प्रयोग की गई है, वाच्य कहलाते हैं, ये वाच्य कहलाता है। वाच्य के तीन भेद हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो बच्चों ये था आपका अध्याय नंबर वाच्य। अध्याय आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, ठीक है, और साथ ही साथ इसको याद करना है। धन्यवाद।